मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखड़े और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या है पूरी खबर तो बताते चले कि मुंबई एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने अनजान लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। धमकी मिलने के बाद समीर वानखड़े ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जानकारी दी। समीर वानखड़े कार्डिलिया क्रूज ड्रग बस केस में रिश्वतखोर मामले में आरोपी पाए गए हैं। इस केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कई आरोपियों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने आर्यन खान को इस मामले पर रिहा कर दिया। इसके बाद एक महिला मॉडल के साथ कई लोगों ने आरोप लगाया था कि वानखड़े ने छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार आर्यन खान केस से मशहूर हुए एनसीबी मुंबई के पूर्व जनरल डायरेक्टर समीर वानखड़े को अब जान से मारने की धमकी पहली बार मिली है। खबर है कि जान की धमकी सीमा पार से दी गई है। फेक ट्विटर अकाउंट से वानखड़े को धमकी देने वाले ने उन्हें उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। इसे लेकर सीनियर को सूचित करने के बाद समीर वानखड़े पुलिस से भी लिखित शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट।